तो ये सभी सभी भी हिंग कचौड़ी बन रही है ना। अच्छा, और मूंगफली तेल के अंदर। सही है, कचौड़ी मिलेगी। हर सामान के अंदर हींग का टेस्ट अलग से आएगा। कैसा लगा टेस्ट? मतलब कम आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया आ रहा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ज्यादा। लेके जाता हूँ, बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल के लिए 5-5, 7-7 पीस पैक करवा के लेके जाता हूँ। मसाला ये मसाला है और ये बिल्कुल खस्ता रहती है। इसमें 25-30 हजार के आसपास के किलो की हींग इसमें चलती है। 25-30 हजार। फ्रेंड्स, आज हम आए जोधपुर के अंदर मोखम जी नमकीन क्लास। यहाँ पे फ्रेंड्स हम ट्राई करेंगे यहाँ की सुपर स्पेशल हींग वाली कचौड़ी। इनकी जो ब्रांच है जोधपुर में पहली बार ओपन हुई है। मेन ब्रांच इनकी जो है सूरतगढ़ के अंदर है। अप्रोक्स 5 से 10 इनकी सूरतगढ़ में शॉप है। और खास बात ये है कि इस इंडस्ट्री में ये 50 साल से ज्यादा है। यानी कि फ्रेंड्स 50 साल का तजुर्बा, 50 साल का इनके हाथ का अनुभव और कहीं नहीं मिलेगा। खास बात ये हींग कचौड़ी जोधपुर में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। मेरा नाम कैलाश खत्री है। अपना मोखम जी नमकीन सूरतगढ़ से वैसे भी फेमस ब्रांड है जो जोधपुर में भी स्टार्ट किया है। पहली ब्रांच यहाँ पे है। अपनी स्पेशलिटी हींग कचौड़ी है, खासकर जो मेरे ख्याल से जोधपुर में भी तो कोई हींग कचौड़ी बनाता नहीं है। हींग कचौड़ी का फीलिंग हो रहा है। अच्छा, हींग कचौड़ी का मसाला ये? हाँ, मसाला है और ये बिल्कुल खस्ता रहती है। और हींग भी इसमें बहुत ही उम्दा दर्जे की हींग काम में ली जाती है। वैसे किलो वाली हींग है, 25-30 हजार के आसपास की किलो की हींग है। आप देख सकते हैं, ₹10 पर पीस दे रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, कचौड़ी की प्राइस 10 रुपए का है। ट्राई करते हैं हींग कचौड़ी और साथ में चटनी और जो भी चाहोगी ट्राई कर लेंगे। मूंगफली तेल। अच्छा, मूंगफली तेल है। यूं सही है। यहाँ पे ट्राई कर लो, ये देखिए पूरे एकदम बढ़िया मजेदार मूंगफली के तेल के अंदर ही कचौड़ियाँ गरम गरम नहा रही है। देख सकते हैं आप कितनी फूली फूली और कराई कराई कचौड़ी। तो ये देखिए कचौड़ी एकदम फूल के डबल हो चुकी है। जैसे कि छोले भटूरे के भटूरे होते हैं दोस्तों, सेम उसी तरह से कचौड़ी एकदम फूली फूली तैयार है। देखिए कितनी फूली फूली, और कहीं पे भी आपको इतनी फूली कचौड़ी नहीं मिलेगी। साइज देख सकते हैं आप वो भी, तो 10 रुपए में इतनी बड़ी कचौड़ी और इतना अच्छा टेस्टी कचौड़ी, बहुत बड़ी बात। ये देखिए आप, तैयार हो चुकी है। सही, आप देख सकते हैं, देखो तैयार होने के बाद कितनी फूली फूली और कितनी गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए ये है हमारी हींग वाली कचौड़ी, 10 रुपए की हींग कचौड़ी। ये देखिए आप, ये देखिए फूली फूली एकदम गोल्डन ब्राउन फूली फूली खस्ता कचौड़ी तैयार है। दिखाएंगे हम आपको, जो कस्टमर है रेगुलर कस्टमर उनका रिव्यू देंगे, सुन के भैया कैसे बता रहे हैं, टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। भैया आपको क्या टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा। अच्छा, डिफरेंट है। जोधपुर का एक यहाँ का प्याज कचौड़ी और मिर्ची बड़े के अलावा कुछ नहीं चलता इधर। इनका टेस्ट है जोधपुर से अलग, बाहर का टेस्ट है। जैसा कि आपने सुना भैया कह रहे हैं कि जोधपुर के अंदर प्याज कचौड़ी, आलू कचौड़ी बहुत मिली, लेकिन हींग कचौड़ी कहीं नहीं मिली, सिर्फ यहाँ पे आपको हींग कचौड़ी मिलेगी। हर सामान के अंदर हींग का टेस्ट अलग से आएगा। कैसा लगा टेस्ट? मतलब कम आ रहा है, अच्छा है, बढ़िया आ रहा है?
बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत ज्यादा बढ़िया टेस्ट है ना। अपने फ्रेंड्स भैया क्या बहुत बढ़िया टेस्ट है, यानी इतना अच्छा टेस्ट है कि भैया देखो रेगुलर कस्टमर बन गए इनके। मैं हॉस्टल के लिए लेके जाता हूँ, बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ, हॉस्टल के लिए पांच पांच सात सात पीस पैक करवा के लेके जाता हूँ। देखिए ये भैया अकेले नहीं, अपने साथ में फ्रेंड्स भी हैं इनके हॉस्टल में, उनके लिए भी ले जाते हैं। इतना अच्छा नाम आपका? धर्माराम। अच्छा धर्माराम जी, कैसा लगा आपको टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा आपनी शानदार है। अच्छा आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया? आज हिंग की कचौरी भाई, हिंग वाली और भी बढ़िया लगी। अच्छा हिंग कचौरी अच्छी लगी आपको? अच्छा होगर वाली से हिंग वाली अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह नाम है। अच्छा कैसा लगा टेस्ट? आपने क्या ट्राई किया था? होगर। अच्छा कैसी लगी कचौड़ी आपको? ठीक है, थैंक यू। मोगर कचौड़ी लगी आपको? अच्छा ये जो रेड चटनी है लहसुन वाली। अच्छा लहसुन चटनी है, लहसुन और लाल मिर्च का चटनी रहता है, ये भी जोधपुर में कोई नहीं है। कचौड़ी ड्राई मसाला कचौड़ी है, तीन चार महीने तक खराब नहीं होती है। अच्छा इसको ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल मिलाना हो तो ये काम है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, रात में रात भूख लग जाती है। इसकी क्या प्राइस रहती है? ये 240 रुपए किलो। अच्छा नमकीन के हिसाब से? नमकीन के हिसाब से, घर पे गेस्ट आके अपने कोई लाने वाला गर्म नमकीन नहीं है तो चाय के साथ सर्व कर दो आपको बढ़िया नाश्ता हो जाएगा गेस्ट के साथ। चटनी भैया? अच्छा मीठी वाली ये लहसुन चटनी, ठीक ग्रीन चटनी वाली। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हिंग कचौड़ी 10 रुपये वाली, इस पर बिरयानी डाली, खट्टी मिर्च चटनी, लहसुन चटनी और ये पुदीने धनिया की चटनी। अब ट्राई करते हैं ये देख के। जैसी कचौड़ी बनी उस टाइम ही हिंग की खुशबू के अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी, और बनते बनते जब हम इसको ट्राई कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया टेस्ट का सभी चीज़ का अच्छा टेस्ट आ रहा है, चटनी का भी लेकिन खास बात की हिंग का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और स्टफिंग भी आप देख सकते हैं, देखिए स्टफिंग भी अभी आपको दिखाई, कंप्लीट स्टफिंग है, कहीं पर आधी दूसरी स्टफिंग नहीं, बहुत ही बढ़िया स्टफिंग है। और चटनी में बात करें तीनों चटनी बहुत ही बढ़िया है, खास चटनी जो अच्छी लगी लहसुन चटनी। देखा उसकी बाइट लेते हैं, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया और बहुत ही टेस्टी, गर्मा गर्म हमारे सामने भैया ने बनाई है, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही मजेदार क्रंची खस्ता कचौड़ी ये बनकर तैयार हुई है। तो जोधपुर में आए चौपासनी रोड चीरगढ़ मस्जिद के पास में आए तो लोकम जी के यहाँ पे आके ये जरूर हिंग कचौड़ी जरूर ट्राई करना, और दूसरा आइटम कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप देख नमकीन की बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको, देखिए अदर टाइप की बहुत वैरायटी नमकीन मिलेगी, और नमकीन ट्राई करना और ये जरूर लगाना। एड्रेस क्या भैया आपने? चौराया, ठीक है चीरगढ़ चौराया नागोई चाय के सामने जोधपुर, ठीक है जोधपुर, ठीक है। और बाकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।